ई कॉमर्स मार्केटिंग जो है आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। आज के टाइम पे ई कॉमर्स में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। मेरे हिसाब से जितने भी साल से मैं देख रहा हूँ, इंडिया में ई कॉमर्स में आने का इससे बढ़िया टाइम तो है नहीं कोई। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बी इन ई कॉमर्स। आप अगर शार्क टैंक देखते होंगे तो आपको मैक्सिमम स्टार्टअप्स ई कॉमर्स वाले दिखाई देंगे आज के टाइम पे, ठीक है। तो ई कॉमर्स के लिए मार्केटिंग की जो नीड होती है वो 100% डिजिटल होती है, क्योंकि वो ऑनलाइन ही बेच रहे हैं, तो मार्केटिंग भी ऑनलाइन ही होगी, उनके कस्टमर भी ऑनलाइन ही आने वाले, तो मैक्सिमम एफर्ट जो है वो डिजिटल का ही लगता है। तो इस केस में हमारे लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। एज अ डिजिटल मार्केटर आपको ई कॉमर्स सेटअप करना आना चाहिए, आपको ई कॉमर्स का रिसर्च करना आना चाहिए, चाहे आप प्रोडक्ट रिसर्च करिए या ऑडियंस रिसर्च करिए। प्रोडक्ट एंड ऑडियंस रिसर्च ये आपको आना चाहिए, ठीक है। आपको ट्रैफिक लाना आना चाहिए, ट्रैफिक मतलब ई कॉमर्स की जो वेबसाइट है उस पर विजिटर्स आए, ये लेके आना आपका काम है। ट्रैफिक को कन्वर्ट करना, कन्वर्ट सेल्स कन्वर्जन, ई कॉमर्स में तो मार्केटर का ही काम है, क्योंकि वहां पे कोई काउंसलिंग तो होती नहीं है, डायरेक्ट सेल होता है, तो सेल्स कन्वर्जन भी आप ही का काम है। प्लस इस ई कॉमर्स के लिए अवेयरनेस भी आप ही का काम है, अवेयरनेस हो या फिर इंगेजमेंट हो, ये तो आप ही का काम है ही। तो ई कॉमर्स सेटअप करना, प्रोडक्ट रिसर्च करना, ट्रैफिक लाना, सेल्स कन्वर्जन करना, अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट क्रिएट करना, ये सब एक डिजिटल मार्केटर के काम है। व्हेन इट कम्स टू ई कॉमर्स, सबसे ज्यादा पैसा ई कॉमर्स देता है, ठीक है। अगर आप एज अ मार्केटर ई कॉमर्स कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, यू विल गेट मैक्सिमम सैलरी आज के टाइम पे, ठीक है। इवन फ्रेशर्स जो है वो 35-40,000 पे प्लेस हुए हैं, नासिक में नहीं, दिल्ली में। नासिक में आप उसको 25 कर दीजिए इफ समबडी इज रनिंग अ वेरी गुड ई कॉमर्स। सो ई कॉमर्स में डिमांड डिजिटल मार्केटर की हमेशा रहती है, बिकॉज उनका मैक्सिमम चीज तो आप ही हैंडल करते हैं। यहाँ पे हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले इस रिसर्च वाले पार्ट से, देन वी विल कम टू सेटअप ऑफ ई कॉमर्स, देन वी विल गो विथ दिस फ्लो। अगले 5 दिन में, मतलब 5 सेशंस में हम लोग ई कॉमर्स को सीखेंगे और समझेंगे, ठीक है। नाउ ई कॉमर्स जब हम लोग सुनते हैं तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब आपके दिमाग में आते हैं, ये सब लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, इनमें से किसी का भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना। फ्लिपकार्ट जो है वो हर साल हजारों करोड़ रुपए बर्न करती है, सेम विथ अमेजोन फिलहाल इन इंडिया, ये सब लॉस में है। पैसा कमाने वाला चुपचाप से आदिवासी तेल बेच के पैसा कमा के निकल जा रहा है, देखा आदिवासी तेल, पैसा कमाने वाला पैसा कमा के निकल रहा है, वो आदिवासी तेल बेच देगा, कुछ बेच देगा, वो निकल रहा है, वो अमेजोन के थ्रू नहीं है उसका, अमेजोन पैसा नहीं कमा रहा, अमेजोन यूजर बेस कमा रहा है। अमेजोन का काम है कि जितना यूजर उसको ऐड होंगे उतनी उसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी, उसकी जितनी वैल्यूएशन बढ़ेगी कंपनी के शेयर्स बढ़ेंगे, उससे ओनर पैसा कमाएगा, इन्वेस्टर पैसा कमाएंगे, और जो बर्न हो रहा उससे यूजर बेस बिल्टअप होगा, नई नई चीज़ें शुरू करेंगे। अमेजोन के पास पैसा आता है क्योंकि उसके सर्वर के थ्रू वो पैसा कमाता है, तो दे डालता है, सो दे हैव वेरी लॉन्ग विजन। लेकिन हर ई कॉमर्स वाले का लॉन्ग विजन थोड़ी ना होता है ना। जैसे पैसा कौन सी कंपनी कमाती है, छोटे छोटे ई कॉमर्स, लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हेडफोन जोन है, हेडफोन जोन जो है ये पैसा कमाएगी, ये प्रॉफिट में रहेगी, ये भी ई कॉमर्स है। यहाँ पे आप आ जाइए, आपको 10,000 से लेकर के 10,00,000 तक के हेडफोन स्पीकर्स मिल जाएंगे, जो कि आपको अमेजोन पे भी नहीं मिलेंगे, वो यहाँ मिलेंगे। तो ये लोग जो हैं ये खुद अपना स्टोर चला रहे हैं और चीजें बेच रहे हैं, आपको सिर्फ ईयरफोन्स वगैरह लेने हो तो आप हेडफोन जोन पे जाएंगे। तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट को सिर्फ ई कॉमर्स मत मानिए, दे आर
पोस्टर बॉयज ऑफ इंडियन ई कॉमर्स मार्केट, वो पोस्टर बॉयज हैं, है ना। ई कॉमर्स में पैसा कमाने वाले ऐसे बहुत सारे स्टोर, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मुझे इस वक्त एक ईयरफोन लेना हो, या हाँ जैसे बेबी यूनिकॉर्न टॉय, ओके, आजकल बच्चे खेलते हैं ना यूनिकॉर्न, पता नहीं क्यों खेलते हैं पर खेलते हैं। अब इसमें मैं आ गया तो आप देखो, जरूरी नहीं है कि अमेजोन ही सिर्फ सेल कर रहा होगा। गूगल को ये बात समझ में आ गई कि मैं प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड हूँ, जो मैंने सर्च किया है इट इज अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो गूगल ने क्या किया, शॉपिंग के टैब को नजदीक कर दिया। आप गूगल में ये ऑब्जर्व करना कि जब भी आप प्रोडक्ट टाइप की चीज सर्च करोगे ना, ये शॉपिंग वाला टैब नजदीक आ जाएगा। जब भी आप नॉन प्रोडक्ट सर्च करते हो, ये शॉपिंग दूर चला जाएगा, ठीक है। तो गूगल में हम लोग आ गए और शॉपिंग के टैब में आ गए, और शॉपिंग के टैब में मुझे ये जितने दिख रहे हैं सब ई कॉमर्स हैं, सब के सब, ये सारे के सारे ई कॉमर्स के रिजल्ट्स हैं। क्या ये सब अमेज़न है? नहीं, है ना। मतलब सेम प्रोडक्ट कई सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, इनफैक्ट ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स पे जिसको हम नहीं जानते, लेकिन मुझे अगर प्रोडक्ट पसंद आया तो हो सकता है कि ये मुझे पसंद आया, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, फिर इसकी वेबसाइट दिखाई दे रही है, मैंने इस पर क्लिक किया, एंड फाइनली आई एम ऑन देयर वेबसाइट। मैं आज से पहले इस वेबसाइट को जानता नहीं था, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये मुझे ठीक लगा, मैं इनके यहाँ पे आ गया, दे आर ऑल्सो सेलिंग, दे आर ऑल्सो गिविंग कैश ऑन डिलीवरी। तो जब कैश ऑन डिलीवरी है तो रिस्क ही नहीं है ना, कहीं से भी ऑर्डर करूं, राइट। तो इंडिया में ई कॉमर्स जो है वो अब कई सारे साइट्स को लेकर के है, कई सारी साइट्स चलती हैं हर सेक्टर में। आज के टाइम पे ना आपको सेक्टर चूज करना आसान नहीं रहा। जैसे देखो, इंडिया में स्टार्टअप अगर शुरू करना है तो स्टार्टअप शुरू करने के लिए पहली चीज क्या है, यू हैव टू फिक्स अ प्रॉब्लम। हर स्टार्टअप यही काम करता है ना, इट इज फिक्सिंग एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जैसे मान लो एक प्रॉब्लम लोगों को आती है कि भाई मतलब वैसे लड़का हो या लड़की, बाल कट करने हैं, तो प्रॉब्लम आ जाती, जाना है सैलून में जाना है, तो कंपनी ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, आपके घर पे सैलून आ जाएगा, हेयर कटिंग हो जाएगी। एक प्रॉब्लम थी कि धोबी को कपड़े देने हैं, तो कोई नहीं, बहुत सारे ऐप्स आ गए जो कि सेम प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, धोबी वाला अपने आपके घर आ जाएगा और बड़े अच्छी से पैकेजिंग करके देगा। तो एवरी स्टार्टअप इज सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो आपको अगर पता चले कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जो आपका ई कॉमर्स सॉल्व कर सकता है, डिलीवर कर सकता है, तो आप शुरू कर सकते हैं। इसी थॉट को लेकर के कई सारे लोग ई कॉमर्स स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो, एक ये साइट है द स्टेट प्लेट जो है, ये क्या करते हैं, पूरे इंडिया में जिस स्टेट का जो फेमस है वो सब डिलीवर करवा। आपको अगर इस वक्त कैलकटा की कोई फेमस चीज खानी है तो कोई बात नहीं, यहाँ से ऑर्डर कर लो, वो आ जाएगी आपके पास। तो इन्होंने एक प्रॉब्लम देखा और उसको फिक्स करके सॉल्यूशन करके दे दिया। ये हमेशा रहेगा। आज अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे आपने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि मान लो आपको एक हैंडबैग खरीदना है, आपने अमेजोन पे सर्च करना शुरू किया ना, अमेजोन इज लाइक एन ओशन। आप चले गए, आपको बैग 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 दिखाई दे रहे हैं, 5 मिनट 6 मिनट में आपका सर पकड़ लिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा बैग ठीक है कौन सा नहीं, किसी का रिव्यू अच्छा है, किसी का फोटो अच्छा नहीं है, किसी का कुछ है, राइट। 10 मिनट बाद आपको लगता है कि काश ना कोई होता जो एक ढूंढ के दे देता बस मुझे, अब नहीं देखना, राइट। तो वहां पे एक नई अपॉर्चुनिटी आती है कि लोग जो हैं वो एक्सपर्ट से लेना चाहते हैं, ना कि समंदर में पहुंचना चाहते हैं, वो एक्सपर्ट से बाय करना चाहते हैं। तो आप देखिएगा कि हर सेक्टर में यू हैव लॉट ऑफ, जैसे मैंने हेडफोन जोन दिखाया, यू आर ओनली सेलिंग हेडफोन्स एंड ईयर। सिमिलरली जैसे हम लोगों ने देखा कि नटराज है, नटराज ड्राई फ्रूट्स, ये सिर्फ ड्राई फ्रूट बेचते हैं, ऑनलाइन ही बेचते हैं, ये सिर्फ ड्राई फ्रूट बेचते हैं। तो अगर मुझे ड्राई फ्रूट लेना है तो मैं इनके यहाँ चला जाऊं, इनके पास एक्सपर्टीज है,
ये प्रोडक्ट के नाम पे मुझे एक ही चीज दिखाएंगे, वो बढ़िया होगा, मैं ले लूंगा। तो मेरा टाइम बचा, एफर्ट बचा, इस टाइप के लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं एज कम्पेयर टू अमेज़न। ठीक है, तो हमारे पास ये है कि आज के टाइम पे अपॉर्चुनिटी बहुत है। इंडिया में ई कॉमर्स 1999 में स्टार्ट हुआ, साइट पहली थी इंडिया ऑनलाइन जैसी कुछ थी, इंडिया ऑनलाइन कुछ नाम था उसका, फेल कर गई। 2007 में फिर से फ्लिपकार्ट आ गया, फ्लिपकार्ट ने इंडियन ई कॉमर्स मार्केट पूरा बनाया, सेटअप किया, बहुत मेहनत की इंडियन कंज्यूमर पे, डिलीवरी नेटवर्क्स फिक्स किए, शिपिंग के चैलेंजेस थे इंडिया में, है ना। इंडियन कंज्यूमर भी तो रेडी होना चाहिए। आप अगर बाहुबली आज से 10 साल पहले 20 साल पहले बना देते 20 साल 30 साल पहले तो बाहुबली फ्लॉप कर जाती, क्योंकि वो उतने अच्छे इफेक्ट के साथ बनती भी नहीं। तो ये टाइम पे ई कॉमर्स के लिए मार्केट रेडी ही नहीं था, 2007 में भी रेडी नहीं था। फ्लिपकार्ट फ्लॉप कर जाती अगर 2008 में स्मार्टफोन्स नहीं आते। टाइमिंग बहुत सही था इनका, स्मार्टफोन्स आ गए और यहां से चीजें गेम बदल गया, है कि नहीं। अब लास्ट आप में से बहुत कम लोग होंगे जो ऑनलाइन बुक ऑर्डर किए होंगे, किए बुक ऑर्डर ऑनलाइन रिसेंटली, नहीं कभी नहीं, रिसेंटली लाइक पिछले 6 महीने में आपने ऑनलाइन बुक ऑर्डर किया। यस सर। देखिए एक आवाज आई, यस सर, यस सर, फ्लिपकार्ट किया है ऑर्डर बुक। फ्लिपकार्ट सिर्फ बुक सेल करने वाली थी, वहीं तक उनका रेस्ट्रिक्टेड था, लेकिन जैसे ही स्मार्टफोन्स आए मेन गेम चेंज हुआ यहाँ पे। और उसके बाद उन्होंने स्मार्टफोन चेंज सेल करना शुरू किया, फ्लैश सेल लाए वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें करना शुरू किया लेट टू स्मार्टफोन्स। और उसके बाद उन्होंने देखा कि भैया कैश ऑन डिलीवरी देना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन कंज्यूमर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करता, पैसा दे दिए पता नहीं भाग गए तो, है कि नहीं। तो फ्लिपकार्ट ने इंट्रोड्यूस किया कैश ऑन डिलीवरी। ये सब टाइम पे अमेजोन नहीं था इंडिया में, उसको अलाउड नहीं था, इंडियन गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था कि कोई भी फॉरेन कंट्री का ई कॉमर्स में नहीं आ सकता, पैसा नहीं लगा सकता। तो ये एकदम से फ्री ग्राउंड था फ्लिपकार्ट के लिए। तो फ्लिपकार्ट ने जम के अपनी मार्केटिंग की, मार्केट स्टेब्लिश किया और 2012 तक पूरा गेम सेट कर लिया। इस वक्त आया अमेजॉन, ठीक है। तो अमेजॉन की एंट्री इंडिया में काफी लेट हुई, लेकिन वही कहते हैं ना कि भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर, सुना ये गाना। अरे सब आप लोग डीजे बाबू, डीजे वाले बाबू जनरेशन के हो। तो पूरा मार्केट सेट किया फ्लिपकार्ट ने, राइट। अमेजॉन की एंट्री 2012 में, उसको पूरा बना बनाया मार्केट मिला। जिस वक्त कंज्यूमर तैयार, उसके पास क्रेडिट कार्ड है, उसके पास ऑप्शंस हैं, उसने ऑनलाइन एक्सपीरियंस किया हुआ है, ये सारी चीजें हो चुकी थी। तो अमेजॉन को बना बनाया मार्केट मिला, अमेजॉन ने जम के पैसा इन्वेस्ट किया इंडियन मार्केट में, ठीक है। तो 2012 से लेकर के 14-15 तक आते आते अमेजॉन ने अच्छा खासा मार्केट पकड़ लिया। फ्लिपकार्ट के पास सिर्फ एक ही जवाब था, वी आर इंडियंस, इंडियन कंपनी, अमेजॉन बाहर का है। लेकिन ये चीज ज्यादा दिन चली नहीं, बिकॉज फ्लिपकार्ट का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो सिंगापुर का था। तो अमेजॉन ने तुरंत मार्केट में ये चीज फैला दी कि भाई तुम कहां से इंडियन, तुम्हारे फाउंडर्स इंडियन है, कंपनी तो तुमने सिंगापुर में रजिस्टर की है, इनफैक्ट पैसा तो तुमने चाइना से लिया है, अलीबाबा के जो फाउंडर है उनका पैसा लगा हुआ था। तो वो चला नहीं। और उस वक्त का वीडियो निकाल के देखोगे तो आप देखोगे कि जो अमेजॉन के फाउंडर हैं जेफ बेजोस, वो जब इंडिया आए थे अमेजॉन के लॉन्चिंग पे, तो उन्होंने इस बैरियर को ब्रेक करने के लिए एकदम से देसी वाले स्टाइल में कपड़े पहने थे, और जितने भी इंटरव्यू दिए उसमें आपको एकदम शेरवानी वरवानी पहने हुए दिखाई देंगे, इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, बिकॉज ही वॉन्टेड टू शो कि मैं भी इंडियन टाइप ही हूँ, देखो। तो जो देसी वाला चीज था ना, उसको उन्होंने बहुत अच्छे से ब्रेक किया था अमेजॉन ने। और फिर अमेजॉन ने मार्केट कैप्चर करना शुरू किया, लेकिन वही है कि फ्लिपकार्ट जो है वो पहला प्यार की तरह इंडियन ऑडियंस के साथ जुड़ा रहा, एंड इट इज हैविंग बेटर डेप्थ एज कम्पेयर टू अमेजॉन। तो उसने मार्केट अभी भी पकड़ा हुआ है।
लेकिन अमेजोन ने इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक उसको बीट कर दिया, ठीक है। तो खैर ये हर सेगमेंट में होता है। पेटीएम ने आपको यूपीआई सिखाया, आज आप पेटीएम नहीं जीपे यूज करते हो, तो जीपे को बना बनाया मार्केट में जाता है, ये हर सेगमेंट में होता है। स्नैपडील आई, बहुत बढ़िया सुना स्नैपडील कॉमर्स में। तो स्नैपडील वाले जो थे, दिस गाय ही यूज टू क्रिएट जस्ट कूपन्स। उनका आइडिया सिंपल था कि हम ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करेंगे, वी विल गेट सम एक्सक्लूसिव कूपन्स, और हम कूपन इंडियन कंज्यूमर को देना शुरू करेंगे। इंडियन कंज्यूमर को कूपन तो बैंक भी देने लग गई। आप क्रेडिट कार्ड लेते हो तो आपको वहां पे कैशबैक और कूपन्स मिलने लगते हैं। तो स्नैपडील वाले का ये फंडा ही फेल कर गया इंडिया में, क्योंकि वो सीख के आया था बाहर से। स्नैपडील का जो फाउंडर है वो बाहर से सीख के आए थे, उनको लगा कि मैं इंडिया में कूपन दूंगा और बहुत चलेगा। लेकिन इंडिया में कूपन तो आपको बैंक ही दे रही है, कैशबैक बैंक ही दे रही है, तो मुझे बीच में किसी मीडिएटर की जरूरत ही नहीं। तो वो फेल करने लग गया। तो स्नैपडील वाले ने सोचा कि दिस इज द राइट टाइम टू सेल प्रोडक्ट, लेकिन हम ना चांदनी चौक मार्केट के प्रोडक्ट बेचेंगे या डुप्लीकेट टाइप। तो वो क्या करता था कि वो ऐसे प्रोडक्ट बेचता था जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसी कंपनियां अपने यहाँ नहीं रखती थी। भाई ठीक है, फ्लिपकार्ट क्या करती है, क्वालिटी चेक करती है, एक लेवल तक क्वालिटी है तो ही रखेगी। स्नैपडील ने बोला कि ये जो नीचे का मार्केट है, जो रोड किनारे सामान बिकता है, ईयरफोन्स बिकते हैं, उसको कौन बेचेगा, तो वो हम बेचेंगे। तो उन्होंने स्नैपडील को उस सेगमेंट में रखा, नीचे के लेवल के सेगमेंट में। तो वो आज भी हैं, अभी भी हैं, आई थिंक चलते हैं। बीच में बहुत गिर गया था मार्केट, पर फिर धीरे धीरे उठा था। याद होगा आमिर खान ऐड करते थे स्नैपडील का, और आमिर खान की मूवी फ्लॉप की, लोगों ने स्नैपडील अनइंस्टॉल करना शुरू किया था, ये सब चीज़ें हुई थी। तो इससे हमें समझ में आता है कि सेलिब्रिटी से जुड़ना बैकफायर भी कर सकता है। तो स्नैपडील ने वो मार्केट पकड़ा है बिल्कुल नीचे का। फ्लिपकार्ट और अमेजोन एक लेवल ऑफ क्वालिटी चेक करते हैं, देन ही आपके प्रोडक्ट को अप्रूव करते हैं। तो अभी की कंडीशन ये है कि अमेजोन इज द लार्जेस्ट प्लेयर इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक। फ्लिपकार्ट की अच्छी बात यह है कि उसका डेप्थ है बहुत बेटर इंडियन मार्केट में, खासतौर से साउथ में। तो फ्लिपकार्ट का अभी भी वो प्रेजेंस है, लेकिन अब फ्लिपकार्ट जो है वो वॉलमार्ट का है, वॉलमार्ट ने बाई कर लिया, दोनों के दोनों फाउंडर्स को फाउंडर सब बाहर हैं, है ना, दोनों अपना अपना आप काम कर रहे हैं। तो वॉलमार्ट के रेगुलेशंस चलते हैं और वॉलमार्ट को इंडियन मार्केट अब ठीक ही समझ में आ रहा होगा, बट अमेजोन उसको बीट किया जा रहा है एवरी टाइम। फ्लिपकार्ट ने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, फेल कर गया। किंडल नहीं लॉन्च कर पाए, दे वॉन्टेड टू लॉन्च किंडल जो बुक्स रीड करने का, उनका फेल हो गया। दे वॉन्टेड टू लॉन्च स्पॉटिफाई टाइप का, जो अमेजोन म्यूजिक ने कर दिया पर फ्लिपकार्ट वाले नहीं कर पाए, वो फेल कर गया। तो फ्लिपकार्ट इज स्टिल स्ट्रगलिंग विद थिंग्स कि वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, बट अमेजोन जो है वो जो चीज़ ला रहा है वो चलने लग रही है। प्राइम ले आए, फ्लिपकार्ट इज ट्राइंग कि वो नेटफ्लिक्स टाइप का कुछ ले आए, पर अभी तक तो ऐसा कुछ वर्कआउट हुआ नहीं, है ना। बट करेंट सिचुएशन ये है कि लगभग 28 से 30 हजार पिन कोड्स तक आज के टाइम पे डिलीवरी पॉसिबल है अगर आप ई कॉमर्स शुरू करते हैं या ज्वाइन करते हैं। तो इंडिया में लगभग 30,000 पिन कोड्स तक आज के टाइम पे कंपनीज हैं जो डिलीवर करती हैं। तो डिलीवरी बिल्कुल फिक्स्ड है, सॉर्टेड है, आप 3 दिन में कहीं भी सामान पहुंचाना चाहें पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर आप वजनदार सामान ही बेच रहे हैं, लाइक 50 kg का समथिंग, तो भी वो 5 से 7 दिन में पहुँच जाएगा किसी भी इंडिया के कोने में। अब ई कॉमर्स में भी हाइपर ई कॉमर्स, जो हाइपर लोकल ई कॉमर्स हैं, ये अब एक्टिव हो चुके हैं। 10 मिनट में सामान आ जाना, दैट इज हाइपर लोकल, वो यहीं के यहीं आ रहा है, 10 मिनट में डिलीवरी हो रही है आपके यहाँ। अब देखो नासिक में भी इंस्टामार्ट आ गया स्विगी का, तो आप अगर ऑर्डर करोगे कोई भी ग्रॉसरी 10 मिनट में आएगा, ठीक है। तो ई कॉमर्स के बहुत ही एग्रेसिव अब सिचुएशन में हैं हम लोग। तो जहाँ पे कि आप सोचो कि कोई अगर बैठा है और उसने सब्जी बनानी शुरू कर दी और मसाला नहीं है, जितने देर में वो उठ के मार्केट जाके दुकान से जाके लाएगा, उतने देर में उसके यहाँ डिलीवरी होगी। क्या चाहिए, वो जाएगा क्या घर छोड़ के, बताओ, नहीं जाएगा। तो जब हाइपर डिलीवरी, हाइपर लोकल मार्केट डिलीवरी होने लगेगी, तो कोई बंदा लोकल स्टोर से बाई नहीं करेगा। एंड दैट इज द फ्यूचर दैट यू विल सी इन 5 to 6 years,
कि लोकल मार्केट में जाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एवरीथिंग विल बी डिलीवर्ड एट डोर स्टेप, है ना। तो इसीलिए मैंने आपको शुरुआत बोला, दिस इज द राइट टाइम टू बी इन ई कॉमर्स फॉर एवरीबडी।